इस वीडियो में टोटल 6 SUVs शॉर्टलिस्ट करी है जो कि 8 लाख ऑन रोड बजट में आप कंसीडर कर सकते हैं। 8 लाख के बजट में और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, चाहे हैचबैक हो या फिर सेडान या फिर SUV। लेकिन SUV सेगमेंट मोस्ट ट्रेंडिंग सेगमेंट है और ट्रेंडिंग है तो थोड़ा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और दूसरी तरफ डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह कम ही देखने को मिलते हैं। हर बार की तरह इन SUVs को उनके प्राइस टू फीचर्स के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट में कम फीचर्स वाली SUV और दूसरी तरफ ज़्यादा फीचर्स वाली SUV। और आपको क्यों वो SUV कंसीडर करनी चाहिए ये आपको इस वीडियो के कंक्लूजन पार्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो ऑटो की इंडिया के साथ। हमने आपके लिए 8 लाख ऑन रोड बजट में टोटल 6 टॉप सेलिंग SUVs शॉर्टलिस्ट करी है, लेकिन इस बजट में आपको दो में से एक चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फीचर्स या फिर रिफाइनमेंट। मतलब अगर रिफाइंड इंजन होगा तो फीचर्स में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, या अगर फीचर लोडेड होगी तो कहीं ना कहीं इंजन परफॉर्मेंस या रिफाइनमेंट पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। शुरुआत करते हैं मोस्ट रिफाइंड, ट्रस्टेड, हाईएस्ट सेलिंग एंड बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइडर ह्यूंडई की वेन्यू ई वेरिएंट। इस SUV की सभी USPs इसके इंट्रोडक्शन में आ गई, उसके अलावा फीचर्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स, पावर स्टीयरिंग, फ्रंट 2 पावर विंडोज़ के अलावा। लेकिन अगर मैं होता तो ये SUV ज़रूर कंसीडर करता और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशंस पर इन्वेस्ट करता, क्योंकि Hyundai Venue के टॉप मॉडल SX की ज़्यादातर जेन्युइन एक्सेसरीज मार्केट में अवेलेबल है, जैसे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटो फोल्डेबल IRVMs, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स, और वारंटी का भी इशू नहीं क्योंकि सब प्लग एंड प्ले होता है, एंड Hyundai जेन्युइन भी। वेन्यू के बेस ई वेरिएंट में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलेगा और इसमें 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिल जाती है। प्लस पॉइंट ये है इस इंजन का कि ये i20 में ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है और रिफाइनमेंट इस इंजन का नेक्स्ट लेवल है। नेगेटिव पॉइंट इस इंजन का ये है कि ये थोड़ा अंडर पावर्ड फील होता है, जिसका मतलब ये है कि ये गाड़ी एंथुजियास्ट के लिए नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मल डे टू डे यूजेज के लिए बहुत बढ़िया इंजन है। वेन्यू ई वेरिएंट आपको 7.8 लाख का पड़ जाएगा ऑन रोड दिल्ली में और वेन्यू नंबर 1 सेलिंग सब 4 मीटर SUV है तो डिस्काउंट ऑफर्स नहीं मिलेंगे। सेकेंड पोजिशन पर रखा है किया सोनेट को। आप में से बहुतों को पता होगा Hyundai और किया सिस्टर कंसर्न है, तभी Hyundai वेन्यू और किया सोनेट के ज़्यादातर पार्ट्स शेयर किए जाते हैं, चाहे अब वो इंजन हो या फिर प्लेटफॉर्म। ड्राइवेबिलिटी दोनों SUVs की ऑलमोस्ट सेम है, बट सोनेट के सस्पेंशन ज़्यादा स्टिफ ट्यून्ड है वेन्यू के कंपैरिजन में। उसके अलावा फीचर्स और इंजन वही सेम वेन्यू बेस वेरिएंट वाले ही देखने को मिलेंगे सोनेट के बेस HTE वेरिएंट में। डिसाइडिंग फैक्टर अब दो रह जाते हैं, पहला लुक्स और दूसरा सर्विस नेटवर्क। अगर तो आपकी सिटी में या एरिया में किया के सर्विस सेंटर है, अच्छा नेटवर्क है, तो सोनेट अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। किया सोनेट HTE बेस वेरिएंट आपको ऑलमोस्ट 7.65 लाख का पड़ जाएगा ऑन रोड दिल्ली में। थर्ड नंबर पर हमने रखा है मारुति सुजुकी ब्रेजा को। हालांकि ब्रेजा को कोई इंट्रोडक्शन की नीड नहीं, लेकिन इस SUV में डीजल इंजन डिसकंटिन्यू हो जाने की वजह से इसकी सेल्स फिगर पर असर पड़ा है। हाल फिलहाल ब्रेजा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आ रही है। ओवरऑल डिसेंट प्रोडक्ट है, इंजन भी पावरफुल है, रिफाइंड भी है और बॉडी स्ट्रक्चर भी ठीक है, ग्लोबल एनकैप में 4-स्टार रेटिंग्स के साथ है। अगर आप ब्रेजा कंसीडर करना चाहते हैं तो इसका बेस LXi वेरिएंट आपको मिल जाएगा और बेस मॉडल होने के बावजूद भी ज़रूरत के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ऑल 4 पावर विंडोज, म्यूजिक सिस्टम विद ब्लूटूथ, कीलेस एंट्री, उसके अलावा LED DRLs और टेल लैंप्स।
साथ में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, एक कंप्लीट पैकेज बोल सकते हैं ब्रेजा को इस प्राइस पॉइंट पर। प्राइसिंग देखें तो LXi वेरिएंट आपको ऑन रोड लगभग 8,26,000 का पड़ेगा, लेकिन मारुति अपने इस प्रोडक्ट पर 10,000 का कैश डिस्काउंट और 25,000 का एक्सचेंज बोनस ऑफर कर रही है। उसके अलावा आप डुअल डीलर नेगोशिएट करके या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी पर पैसे बचाएंगे तो बड़े आराम से ब्रेजा आपको 8,00,000 के आसपास मिल जाएगी ऑन रोड। फोर्थ पोजीशन पर रखा है टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट XE को। नेक्सॉन के प्रोज की बात करें तो वो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, टाटा का अपना लोहा है और वही आपको इस गाड़ी की बॉडी लाइन देखकर पता चल जाएगा। ग्लोबल एनकैप ने भी इस SUV को 5-star रेटिंग दे रखी है, तो सेफेस्ट SUV है। नेक्सॉन XE वेरिएंट के फीचर लिस्ट में आपको फ्रंट पावर विंडोज, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRLs, बाकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, लेकिन ब्रेजा के कंपैरिजन में फीचर्स थोड़े कम देखने को मिलेंगे। इंजन के डिपार्टमेंट में नेक्सॉन बेस पेट्रोल में 1.2 लीटर का 3-सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन मिलेगा, जिसकी ड्राइवेबिलिटी एवरेज वगैरह सब सही है, लेकिन डाउनसाइड इसकी रिफाइनमेंट है। 3-सिलेंडर इंजन होने की वजह से वाइब्रेशंस ज़्यादा फील होंगी, जो अभी तक की SUVs में सोनेट, वेन्यू और ब्रेजा में बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आप इस SUV में इंटरेस्टेड है तो नेक्सॉन XE का ऑन रोड प्राइस 7.99 लाख है और हाल फिलहाल नेक्सॉन पर 15,000 तक का एक्सचेंज बोनस के साथ 5,000 का डिस्काउंट कॉरपोरेट डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। अब बारी आती है इस लिस्ट की सेकेंड लास्ट और लेटेस्ट SUV निसान मैग्नाइट की। मैग्नाइट के लॉन्च होते ही ये मान लो निसान इंडिया से जाते जाते रह गई। लॉन्च के बाद से ही मैग्नाइट को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और शायद ही निसान की ये पहली गाड़ी है जिस पर कुछ वेटिंग पीरियड आया है। अब ऐसा क्यों है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पहला तो प्राइस, जो कि बिल्कुल मोस्ट सेलिंग हैचबैक के टक्कर का है। दूसरा इस SUV की फीचर लिस्ट, फर्स्ट इन सेगमेंट 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स आपको एंट्री सेगमेंट SUV में देखने को मिल जाते हैं, और तीसरा CVT ट्रांसमिशन, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया ऑफरिंग है। मैग्नाइट में दो इंजन ऑफर किए जा रहे हैं, पहला 1 लीटर MPI 3-सिलेंडर नॉन टर्बो इंजन और दूसरा है 1 लीटर टर्बो इंजन, और दोनों ही इंजन में बाई नेचर 3-सिलेंडर होने की वजह से वाइब्रेशंस काफ़ी देखने को मिलेंगे। अब 8,00,000 ऑन रोड में आपके पास दो वेरिएंट बढ़िया फिट बैठते हैं, एक नॉन टर्बो और दूसरा टर्बो। मैग्नाइट XV नॉन टर्बो डुअल टोन, जिसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है 7.72 लाख्स ऑन रोड। इसमें टर्बो तो नहीं मिलेगा, लेकिन फीचर्स ऑलमोस्ट सारे देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा वेरिएंट है XL टर्बो, इस वेरिएंट में फीचर्स ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन टर्बो इंजन का मज़ा ज़रूर मिल जाएगा। तो मैग्नाइट XL टर्बो का प्राइस ऑन रोड 7.90 लाख्स का है। अब आते हैं इस लिस्ट की आखिरी SUV रेनो काइगर पर। जस्ट लाइक वेन्यू एंड सोनेट, मैग्नाइट और काइगर का भी ज़्यादातर पार्ट शेयरिंग देखने को मिलेगा। दोनों ही SUVs में सेम प्लेटफॉर्म, इंजन्स और मटेरियल यूज़ किए गए हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है गियरबॉक्स का। अनलाइक मैग्नाइट CVT गियरबॉक्स, काइगर नॉन टर्बो में AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी ऑफर किया जा रहा है। तो अगर आपकी प्रेफरेंस ऑटोमेटिक SUV है, वो भी 8,00,000 ऑन रोड बजट में, तो रेनो काइगर एक बढ़िया ऑप्शन है, जिसमें SUV स्टांस के साथ ठीक ठाक फीचर्स और इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियर की कन्वीनियंस भी मिल जाएगी। अगर आपको काइगर पसंद है तो इसका AMT वेरिएंट लगभग 8,06,000 का पड़ेगा ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर। इन सभी 6 SUVs में से हमारे अकॉर्डिंग आपको कौन सी SUV कंसीडर करनी चाहिए वो देखते हैं। वैसे तो इन SUVs को उनकी रिफाइनमेंट के बेस पर सॉर्ट किया गया है, यानी वेन्यू मोस्ट रिफाइंड और मैग्नाइट कम रिफाइंड है। हमारे अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रेफरेंस ऑलराउंडेड प्रोडक्ट है, जिसमें पावरफुल और रिफाइंड इंजन के साथ ज़रूरत के सभी फीचर्स मिल जाएं और उस SUV के साथ लार्जेस्ट आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क का प्लस पॉइंट और एक मैच्योर रेट्रो SUV डिज़ाइन, तो मारुति सुजुकी ब्रेजा
बेस्ट ऑफरिंग है।